हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इजी एंड टेस्टी गुलाब जामुन रेसिपी। लीजिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मोटे तले वाली कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे एक कप नॉर्मल दूध। दूध में पहला उबाल आने दें। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे एक और आधा चम्मच देसी घी। अच्छे से घी को मिला लें। अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। एक कप मिल्क पाउडर पूरा ऐड करेंगे और लम्स फ्री होने तक इसको मिलाएंगे। आंच को तेज ही रहने दें और लगातार चलाते रहें। तेज आंच पर पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसे तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ न दे। मिक्सचर पूरी तरह से बाइंड हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक गिलास पानी, 1.5 कप चीनी, अच्छे से मिला लेंगे, थोड़े सा केसर के पत्ते। इसे तब तक चलाएंगे जब तक चीनी घुल नहीं जाती। चाशनी को पूरी तरह से पकाना नहीं है, चिपचिपी फॉर्म में आने देना है चाशनी को। चाशनी में उबाल आ चुका है। अब हम चेक करेंगे, हमारी चाशनी पक चुकी है। हाथ से आप चेक कर लें। बैटर को बाउल में ट्रांसफर कर लें और इसमें ऐड करेंगे हम 3 छोटे चम्मच मैदा। साथ ही ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ अच्छे से इसको डो फॉर्म में मिला लें सॉफ्ट होने तक। अगर ज़रूरत है तो 2 चम्मच दूध ऐड कर लें। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि हमारा डो सॉफ्ट बने। डो एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। पीछे हथेली का सहारा लेके आप इसे अच्छे से मलें। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। छोटी छोटी गोलियों को तब तक हथेलियों के बीच मसलना है जब तक उनमें कोई क्रैक्स नहीं रह जाता। क्रैक्स होंगे तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। अच्छे से हथेलियों, दोनों हथेलियों के बीच मसलते हुए बनाना है।
इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन हमारे तैयार कर लेंगे। तेल हमारा धीमी आंच पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जामुन की गोलियां और धीमी आंच पर पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। हमारे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल कर डायरेक्ट गर्म की हुई चाशनी में डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। चाशनी में अच्छी तरह से मिला लें। देखिए गुलाब जामुन पूरी तरह से चाशनी में भीग चुके हैं, सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।